हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंट्स 20 जीके। तो आप ध्यान से देखिए और उसको नोट कर लीजिए कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था और उसका मेन मेन नोट्स क्या क्या है। ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, हु इज टर्म इज यूज फॉर ए स्कूल ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग द ब्रांचेस ऑफ वेदर्स एंड द करेक्ट आंसर इज चरना। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज पर्णदत्त वॉज अपॉइंटेड द प्रोविंशियल गवर्नर ऑफ सूरसहस्त्र बाय डैश। तो देखते हैं उसका करेक्ट आंसर क्या है। उसका आंसर है स्कंदगुप्त। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा वॉज सेट अप बाय हु इज गुप्त रूलर एंड द करेक्ट आंसर इज कुमारगुप्त। कुमारगुप्त नालंदा यूनिवर्सिटी का सेटअप किए थे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी और करेक्ट आंसर है पुलकेशिन फर्स्ट जो है वो चालुक्य डायनेस्टी का फाउंड किए थे। टेक्सल वॉज द कैपिटल ऑफ हुइच एंशिएंट महाजनपद एंड द करेक्ट आंसर इज गंधार। गंधार जो है वो टेक्सला का कैपिटल है, एंशिएंट महाजनपद के टाइम पर था ये। व्हाट वॉज द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न पंचाल्स, नॉर्दर्न पंचाल्स जो है उसका कैपिटल क्या है एंड द करेक्ट आंसर इज अहिचत्र। अहिचत्र जो है वो है नॉर्दर्न पंचाल्स का कैपिटल। हुइच फिजिशियन वॉज सेंट बाय बिंबिसार टू ट्रीट अवंती किंग, द करेक्ट आंसर इज जिवाका। जिवाका जो है उनको बिंबिसार भेजे थे अवंती किंग का ट्रीट करने के लिए। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन इन इंडिया कम्स फ्रॉम, कहाँ से वो आया है एंड द करेक्ट आंसर इज वैदिक एरा। वो बैंकिंग का ट्रांजेक्शन जो है वो है वैदिक एरा से आया था। इन हुइच इंस्क्रिप्शन द मौर्यन एम्परर अशोका रेफर्स हिमसेल्फ एज पियादासी लाजा मगधा, इसका मतलब है पियादासी किंग ऑफ मगधा एंड द करेक्ट आंसर इज, और इसका करेक्ट आंसर है बाबरू इंस्क्रिप्शंस। तो देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। हुएर वॉज द फर्स्ट तमिल संगम हेल्ड, फर्स्ट तमिल संगम जो था पहले वो कहाँ पे हुआ था एंड द करेक्ट आंसर इज मदुरई। मदुरई में फर्स्ट तमिल संगम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्त वार मेंशन इन हुइच इंस्क्रिप्शन, समुद्रगुप्त का अचीवमेंट्स कौन से इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। तो उसका करेक्ट आंसर है अल्लाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। अल्लाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में उनका अचीवमेंट जो है वो मेंशन किया गया है। द गुप्ता एम्परर चंद्रगुप्त सेकेंड वॉज सक्सीड बाय होम एंड द करेक्ट आंसर इज कुमारगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस बुक सूत्रकृतंग प्रोवाइड्स डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ, मतलब किसका जो लाइफ है उसके बारे में वो सब डिटेल देता है। कौन सा बुक है वो है सूत्रकृतंग और वो किसके बारे में है, महावीर के बारे में दिया गया है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु डिफीटेड हर्षवर्धन ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा, नर्मदा रिवर के बैंक में हर्षवर्धन को कौन हराया था
एंड द करेक्ट आंसर इज पुलकेशिन सेकेंड। पुलकेशिन सेकेंड जो है वो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के पास हराए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द टेम्पल्स एट बेलूर, हालेविडू एंड सोमनाथपुर आर सुप्रीम एग्जाम्पल्स ऑफ हुईज टाइप्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ये किसका एग्जाम्पल है, किस आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल पे है, तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है। एंड द करेक्ट आंसर इज वैसरा। वैसरा जो है वो उसका एग्जाम्पल है वो टेम्पल्स। वर्क्स ऑफ 11th सेंचुरी संस्कृत पोएट जयदेव है बिकम द बेसिस ऑफ हुईज डेंस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। कौन सा डेंस था वो, एंड उसका करेक्ट आंसर है ओडिसी। ये भी याद रखना कि जयदेव जो थे वो एक संस्कृत पोएट थे 11th सेंचुरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुईज सिस्टम इन द वैदिक एज हैज़ प्रोवाइडेड फॉर ए मैरिज ऑफ ए चाइल्डलेस विडो विद द ब्रदर ऑफ ब्लड रिलेशन ऑफ आर डिसीज्ड हस्बैंड फॉर द सेक ऑफ प्रोगेनी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नियोगा। नियोगा सिस्टम के हिसाब से एक चाइल्डलेस विडो को उसके ही हस्बैंड के भाई के साथ मैरिज करने के लिए नियम बनाया गया था। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच महाजनपद वॉज लोकेटेड ऑन द जंक्शन ऑफ टू फेमस एनिशियंट इंडियन ट्रेड रूट्स, उत्तरपथ एंड दक्षिणपथ। ये उत्तरपथ एंड दक्षिणपथ के जो रूट्स हैं इसमें कौन सा महाजनपद लोकेटेड है, तो देखते हैं इसका आंसर सूरसेना। सूरसेना जो है उत्तरपथ एंड दक्षिणपथ के रूट में है। इन व्हिच वर्क्स इज मेंशन द कंस्पिरेसी हेस्ट बाय पुष्यमित्र सुंगा टू एलिमिनेट द लास्ट मौर्य किंग बृहद्रथ। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है, एंड द करेक्ट आंसर इज हर्षचरित ऑफ बाणभट्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, खारवेला हु कंस्ट्रक्टेड केव्स इन द उदयगिरी फॉर जैन मोंग्स वाज ए रूलर बिलोंगिंग टू हुईज डायनेस्टी। वो किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, तो इसका करेक्ट आंसर है चेती। वो चेती डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। तो ये था हमारा एनिशियन इंडियन हिस्ट्री का पार्ट वन। इसके और भी पार्ट्स आएंगे, तो ऐसे ही वीडियोस और जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।